फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अंगना आर्ट। अंगना आर्ट के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस क्वेश्चन का मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी वो है, व्हिच पेन टैबलेट शुड आई बाय। डिजिटल ड्राइंग टैबलेट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है मुझे, मैं एक बिगिनर इलस्ट्रेटर हूँ, तो मुझे कौन सा पेन टैबलेट खरीदना है। आइए बिना देर करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल लुकिंग फॉर अ पेन टैबलेट इज द टाइप ऑफ पेन टैबलेट। अभी अगर हम लोग देखें मार्केट में दो टाइप्स ऑफ पेन टैबलेट्स अवेलेबल है। एक पेन टैबलेट है जिसमें आप देख नहीं सकते लाइक दिस, इसमें आप विद द हेल्प ऑफ अ पेन जो इसके साथ आता है इसके ऊपर प्रेशर से ड्राइंग करते हैं और आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या फिर आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको वो ड्राइंग दिखता है। दिस इज वन काइंड ऑफ पेन टैबलेट। द अदर काइंड ऑफ पेन टैबलेट इज अ पेन टैबलेट विथ अ विजुअल और अ वीडियो डिस्प्ले। जैसे आप जहां जब ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली उसके ऊपर दिखता जाएगा। सो दिस आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन टैबलेट्स अवेलेबल इन द मार्केट। आप एज अ बिगिनर कौन से टाइप के साथ, कौन से स्क्रीन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे वो आपको खुद डिसाइड करना है। मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा ये वैकॉम का पेन टैबलेट था। दिस इज द बेसिक वैकॉम का पेन टैबलेट, इट्स 1/Wacom। एंड जब मैंने स्टार्ट किया था बिलीव मी इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज मैं ऐसे ड्रॉ करती थी और बार बार मुझे कंप्यूटर स्क्रीन में देखते जाना पड़ रहा था कि लाइन्स कैसे है और मेरा हाथ शेक तो नहीं हो रहा है। सो देर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग, इट वॉज नॉट दैट ईजी कम्फर्टेबल। और मैं बोलूंगी नहीं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी टू यूज दिस पेन टैबलेट एज अ बिगिनर। और तब मैंने एक्चुअली सोचा था कि अ पेन टैबलेट विद अ विजुअल डिस्प्ले वुड हैव बीन सो मच बेटर। सो आई एग्री कि अगर आप अ पेन टैबलेट विद अ विजुअल डिस्प्ले खरीदेंगे एज अ बिगिनर इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू ड्रॉ। सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बहुत लोग सोचते हैं एज अ बिगिनर, और ये चीज मैंने भी सोचा था, वो है कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे ऑन टॉप ऑफ अ सर्फेस और मुझे बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते रहना पड़ेगा। इट इज नॉट वेरी कंफर्टेबल, इट इज नॉट वेरी इजी एंड आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू डू इट लाइक दैट। बट गाइज यू नो जब हम लोग इवन माउस यूज करते हैं कंप्यूटर माउस, तो भी हम लोग माउस को यू नो देखते नहीं रहते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं या फिर यूज करते हैं टू सर्फ और टू राइट और डू एनीथिंग और टू क्लिक। सो इट्स द सेम थिंग। ज्यादा आप नर्वस मत होइए अगर आपको ये बेसिक पेन टैबलेट भी खरीदना हो विदाउट द विजुअल डिस्प्ले। जस्ट थिंक दैट दिस इज अ माउस। सो माउस की तरह ही आपको पेन को मनूवर करना है और आप कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखते रहिए और आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन में सब कुछ क्लियरली दिख जाएगा। सो इवन दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मैं अभी ऑलमोस्ट 5 साल हो गया है मैं इसी वैकॉम के पेन टैबलेट को यूज कर रही हूँ एंड दिस हैज बीन वेरी स्टर्डी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मिला है, मैंने इतना रफ यूज किया है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आई हैव डन। द सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर डिसाइडिंग ऑन अ पेन टैबलेट इज द साइज ऑफ द पेन टैबलेट, कि आपको कितना बड़ा साइज का पेन टैबलेट चाहिए। 6 इंच से स्टार्ट करके 10.6 इंच, 23 इंच, 28 इंच, द साइज वेरीज। बेसिक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि 6 इंचेस टू 10.6 इंचेस का टैबलेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज अ गुड इनफ साइज बिकॉज जब आप पेन से ड्रॉ करते हैं ऑन टॉप ऑफ अ टैबलेट तो आप कंप्लीट स्क्रीन को यूज नहीं करते हैं टू मूव द हैंड, तो आप बस इतने से स्क्रीन साइज को यूज करते हैं, टैबलेट साइज को यूज करते हैं व्हाइल ड्रॉइंग। सो एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट अ स्मॉल साइज स्क्रीन साइज टैबलेट इज ऑल्सो फाइन टू स्टार्ट विथ। बट फॉर अ टैबलेट विद अ वीडियो डिस्प्ले ज्यादा छोटा खरीदने से ये होता है कि आपका हाथ रखने के लिए जगह नहीं होता है, आपको वही ड्रॉ करना है, आपको वहीं पे दिख रहा है सब कुछ। सो आई वुड सजेस्ट अ 12 इंच, 10 to 12 इंच इज अ गुड साइज टू कंसिडर बिफोर बाइंग अ टैबलेट विद अ विजुअल डिस्प्ले। नेक्स्ट पॉइंट जो आप को कंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग अ पेन टैबलेट इज द प्राइस। ऑब्वियसली प्राइस रेंजेस बहुत डिफर करते हैं। नाउ फॉर अ बेसिक पेन टैबलेट लाइक दिस फॉर वैकॉम या पुयॉन और बहुत सारी ब्रांड्स है, मैं वैकॉम का यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे जनरली ये पेन टैबलेट्स के प्राइस 2500 से लेके विद इन 10,000 तक होते हैं।
बेसिक पेन टैबलेट्स में कोई बटन्स नहीं होता है, इन ड्रॉइंग टैबलेट्स में जैसे मेरे इसमें कोई बटन नहीं है मेरे टैबलेट के ऊपर, लेकिन जब आप थोड़े से एक्सपेंसिव जैसे 8000 या 10000 रेंज के जब टैबलेट्स बाय करने जाएंगे या 12000 रेंज के, तो आप उसको टैबलेट के ऊपर ही आपको उनमें कीज या बटन्स मिलेंगे, 8 कीज वाले, 6 कीज वाले। तो जब आप ड्रॉ करते हैं तो आप हर एक बटन को असाइन कर सकते हैं फॉर अनडू और रिकलर या कंट्रोल जी आप असाइन कर सकते हैं, और आप टैबलेट में ही उसको क्लिक करके आपके ड्राइंग करने में इजी हो जाता है। जो चीज़ मैं भी करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे टैबलेट में कोई की नहीं है तो मैं वो कीबोर्ड से करती हूँ। तो मैं जब ड्रॉ करती हूँ ना, मेरा एक हाथ राइट हैंड, क्योंकि आई ड्रॉ विथ माई राइट हैंड, सो मैं राइट हैंड से अपने पेन टैबलेट के ऊपर ड्रॉ करती हूँ और मेरा लेफ्ट हैंड रहता है कीबोर्ड के ऊपर। सो जब भी मुझे कंट्रोल जी करना होता है या फिर कोई भी कमांड देना होता है तो मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज करती रहती हूँ ऑन द कीबोर्ड। दैट इज द वे आई डू। बट विद द टैबलेट विच ऑलरेडी हैज दोस कीज, आपके लिए इजी हो जाता है कि आप टैबलेट में ही यूज करें। सो आपको कीबोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, वो स्पेस हट जाता है। सो दैट इज वन ऑफ द बेनिफिट्स। लेकिन हम लोग अगर उन टैबलेट्स को कंसिडर करें जहाँ पे स्क्रीन ऑलरेडी अवेलेबल है और हमें स्क्रीन के ऊपर ही ड्रॉ करना है, उन टैबलेट्स का प्राइस फॉर वेकॉम स्पेसिफिकली 30,000 प्लस से स्टार्ट हो जाता है। इनमें एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है इवन आईपैड का, मैं आईपैड भी यूज करती हूँ और आईपैड प्रो विद एप्पल पेंसिल यूज कर रही हूँ मैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आईपैड का भी प्राइस आपका 50,000 प्लस से स्टार्ट हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट इज द मोबिलिटी, मतलब आप कितनी आसानी से अपने पेन टैबलेट को कैरी कर सकते हैं। कुछ पेन टैबलेट्स बहुत हैवी होता है, बल्की होता है, साइज वाइज जब स्क्रीन साइज बढ़ता है तो उसका वेट भी बढ़ता है और उसको कैरी करने में बैग में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज भी ध्यान देना है, अगर इफ यू आर लेट्स से यू आर ऑन द गो ऑलवेज, आपको बैग में ही अपने चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक आईपैड पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि आईपैड में इट इज वेरी लाइट वेट, उसमें एप्पल पेंसिल है एंड आपको किसी से भी चीज के साथ उसको कनेक्ट नहीं करना है। लेकिन जब आप लेट्स से वेकॉम का सिंटीक या वन वेकॉम का विजुअल डिस्प्ले वाला पेन टैबलेट खरीदते हैं, तो इसका मतलब है आपको साथ में एक लैपटॉप भी कैरी करना होगा। सो ऑब्वियसली इट बिकम्स मोर बल्की, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर परचेजिंग अ पेन टैबलेट। लेकिन अगर आप घर में ही यूज करना चाहते हैं, कहीं पे क्लासरूम में ही यूज करना चाहते हैं और आप उसको कैरी नहीं कर रहे हैं अराउंड द सिटी, अराउंड द वर्ल्ड, सो अगर वैसी बात है तो फिर आप एक बढ़िया सा स्टर्डी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ऑन एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ पेन टैबलेट्स एज वेल, विदाउट थिंकिंग अबाउट द साइज और हाउ हैवी इट इज। द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज द सॉफ्टवेयर। अभी जब हम लोग पेन टैबलेट्स या ड्रॉइंग टैबलेट्स यूज करते हैं, डिजिटल ड्रॉइंग टैबलेट्स, तो हम जनरली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ऑन आर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपना वेकॉम यूज करती हूँ, वेकॉम पेन टैबलेट से ड्रॉ करती हूँ अपने लैपटॉप पे, तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करती हूँ वो है फोटोशॉप या पेंट टूल साइट, इलस्ट्रेटर एक्सेट्रा। एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर पेन टैबलेट्स जो वेकॉम के आते हैं विद अ विजुअल डिस्प्ले। द नेक्स्ट ऑप्शन इज आईपैड। ऑब्वियसली आईपैड में आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल द सॉफ्टवेयर्स। आईपैड प्रो में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोटोशॉप के सॉफ्टवेयर, पेंट टूल साइट, क्रीटा, एवरीथिंग आप वहां पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहां पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एप्पल आईपैड में अपने प्रोक्रिएट यूज करती हूँ, प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर। प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर इज वेरी नाइस, वेरी यूजर फ्रेंडली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसमें ड्रॉ करने के लिए, और आईपैड एज अ हार्डवेयर इतना अमेजिंग है कि आप जब एप्पल पेंसिल से आईपैड प्रो के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इट एक्चुअली फील्स लाइक यू आर ड्रॉइंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर। सो दिस इज अनदर थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट करना है जस्ट टू स्टार्ट विथ एज अ बिगिनर, आई वुड सजेस्ट वेकॉम का ये पेन टैबलेट इज वेरी गुड। बट अगर आप और हाई लेवल पे जाना चाहते हैं कि नहीं मुझे एक पेन टैबलेट चाहिए विद अ विजुअल डिस्प्ले, देन वन वेकॉम का बेसिक वाला जो स्टार्टिंग रेंज है विच इज 30,000 प्लस, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पे विजुअल डिस्प्लेज दिखेंगे और आपको इजी करने में, ड्रॉ करने में आसानी होगी। द नेक्स्ट हार्डवेयर इज ऑब्वियसली आईपैड। आप आईपैड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपैड में इन्वेस्ट करने से भी आप सारे सॉफ्टवेयर वहीं पर यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई हियर आई वॉन्ट टू आंसर टू क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आया था कि क्या मुझे पेन और टैबलेट दोनों सेम ही कंपनी का खरीदना चाहिए,
इसका आंसर है यस, आपको पेन और टैबलेट दोनों सेम ही कंपनी का खरीदना चाहिए, पेन दूसरे कंपनी का और टैबलेट दूसरे कंपनी का मत खरीदिए। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे पास आया था वो है कि मेरे पास ऑलरेडी आईपैड है, क्या मैं उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट करके एज अ पेन टैबलेट, ड्रॉइंग पेन टैबलेट यूज कर सकती हूँ? सो उसके लिए टेक्निकली ये पॉसिबल है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे बताइए अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास आईपैड है, प्लीज यूज द प्रोक्रिएट सॉफ्टवेयर टू ड्रॉ इन आईपैड इटसेल्फ, और प्रोक्रिएट में ड्रॉ करने के बाद आप उस इमेज को एज अ फोटोशॉप फाइल और एज अ जेपैग, एज अ पीएनजी अपने कंप्यूटर में लेके जा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा please give me a thumbs up, subscribe to my channel Anganaz Art, and please follow me on Instagram and Facebook under the hashtag Anganaz Art. जल्द ही मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। Bye bye.